बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं सिरसा से। स्वर्गीय राधा देवी कांडा के निधन पर शोक, सिरसा से बड़ी खबर। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की माता के निधन पर शोक की लहर इस वक्त देखी जा सकती है। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शोक जताया है। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। रानिया रोड स्थित कांडा परिवार के आवास पर पहुंचकर शोक जताया। कांडा बंधुओं से मिलकर इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय राधा देवी कांडा के सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें याद किया। उनके सामाजिक धार्मिक कार्य वंदनीय, विपुल गोयल ने कहा। विपुल गोयल आगे बोले कि व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है मां। सिरसा से इस वक्त बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। स्वर्गीय राधा देवी कांडा के निधन पर शोक की लहर। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की माता के निधन पर शोक की लहर। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शोक जताया है। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। रानिया रोड स्थित कांडा परिवार के आवास पर पहुंचकर इस दुख की घड़ी में शोक जताया। कांडा बंधुओं से मिलकर इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। हमारे संवाददाता अमित तिवाड़ी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्गीय राधा देवी कांडा के सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाएगा, ये कहते हुए और क्या कहा पूर्व उद्योग मंत्री ने जब वो वहां पर अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे? अमित, अनामिका, आज सिरसा पहुंचे हैं पूर्व उद्योग मंत्री हरियाणा के विपुल गोयल और साथ ही टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और इसके अलावा और भी कई जो नेता यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और शोक जताया और उनके सामाजिक योगदान पर भी चर्चा की और साथ ही कहा कि एक बड़ी जो उन्होंने सेवा की पूरे संपूर्ण समाज की और उसके लिए सदैव याद किया जाएगा उन्हें। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सिरसा से। कांडा बंधुओं से मिलकर इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय राधा देवी कांडा के सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाएगा, ये कहते हुए।